फ्रेंड्स, मैं कुमकुम सिंह कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं गन पाउडर की रेसिपी बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल इडली डोसा में करने से इडली डोसा का स्वाद काफी बढ़ जाता है। मैं इस वीडियो में इडली के साथ इसके इस्तेमाल करके दिखाई दी हूँ। ये हैदराबादी डिश है। हैदराबाद में सभी घरों में गन पाउडर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं आपको गन पाउडर बनाकर दिखाती हूँ। गन पाउडर बनाने के लिए मैं ये नारियल का टुकड़ा ली हूँ, एक चम्मच ये गोल की ली हूँ, खड़ा गोल की है। ये मिर्च है, ये 10 मिर्च है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मिर्च ज़्यादा पड़ता है। 2 चम्मच चना दाल है, 2 चम्मच उड़द दाल है, ये तिल है 2 चम्मच, 2 चम्मच चावल है। इससे ये क्रिस्पी बनेगा, इसलिए इसे वो जरूर डालें। ये कड़ी पत्ता है। ये फ्राई पैन में सूखा डालू, बिना ऑयल के भूनना है इसको। ये उड़द दाल है, ये चना दाल है, ये तिल है, ये लाल मिर्च है। ये सभी दाल को मैं अच्छे से चूल ली हूँ और ये हल्का पानी में हल्का ये कपड़े को भिंगा करके इसे पोंछ ली हूँ, क्योंकि इसको ये चावल भी मैं उसी तरह से साफ कर ली हूँ, पूरे अच्छे से चुन भी ली हूँ और कपड़े में भींगा के पड़ा में अच्छे से इसको पोंछ ली हूँ। ये मेरा दाल सर थोड़ा थोड़ा भुन गया है। अब मैं इसमें नारियल और गोल की डाल रही हूँ। मेरा सारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। इसको भी हल्का गरम कर देना ताकि हरा जिसमें पत्ती है वो थोड़ा सा भुन जाए। देखिए मेरा दाल अच्छे से सारा दाल चावल सब मेरा अच्छे से भुन गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। मैं इसको पैन से बाहर कर ले रही हूँ, कहें कि ये पैन मेरा काफ़ी गर्म है, इसे और ज़्यादा जल जाएगा। देखिए मेरा ये ठंडा हो गया। अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल रही हूँ। ये नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ये कश्मीरी मिर्च है, इसे इसमें कलर आएगा। कश्मीरी मिर्च इसमें जरूर डालते हैं। ये 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है हींग है, इसमें हींग का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। सबको मिक्स करके एक बार फिर से हम मिक्सी चला लेंगे ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए। देखिए मेरा ये गन पाउडर बनके तैयार हो गया है। देखिए मेरा ये गन पाउडर बहुत ही चटपटा बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसे इडली में मिक्स करके दिखा रही हूँ आपको। ये घी में आप घी या बटर किसी चीज़ में बना सकते हैं, मैं घी में बना रही हूँ। देखिए मेरा घी गर्म हुआ, अब इसमें मैं इडली डाल रही हूँ। इसमें ये गन पाउडर देखिए इस तरह से ऐसे फैला देना है। चारों तरफ से ऐसे लपेट देना। देखिए इसमें इस तरह से इसको पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मेरा ये गन पाउडर के साथ मैं ये इडली का ये फ्राई कर ली हूँ। इसका काफ़ी स्वाद बढ़ गया है। आप भी बना कर जरूर ट्राई करें, बताएं कैसा लगा।